हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं, ये देश दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है। यहाँ के लोग बहुत ही एजुकेटेड हैं और किसी की लाइफ में किसी की भी दखल अंदाजी का काम यहाँ नहीं होता। यहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के बाकी देशों को इनसे सीखना चाहिए। इस कंट्री में बेरोजगारी नामक कोई चीज है ही नहीं। अगर आपको स्कोडा की गाड़ियाँ पसंद है तो आपको इस देश को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि इसी देश में स्कोडा की गाड़ियों का प्रोडक्शन होता है। वेल दोस्तों, क्या आपको मार्टिना नवरातिलोबा के बारे में पता है? यह टेनिस की लेजेंड, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भी इसी देश से हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम आपको किस देश के बारे में एक से बढ़कर एक फैक्ट्स बताने वाले हैं। यह है यूरोप का एक खूबसूरत देश, चेक रिपब्लिक। तो बस आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपको बता दूं कि सेंट्रल यूरोप का यह देश सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। ये कंट्री एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसके बॉर्डर चारों तरफ से किसी न किसी देश से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड और स्लोवाकिया चेक रिपब्लिक के पड़ोसी देश हैं। इस देश की वर्तमान जनसंख्या है 1 करोड़ के आसपास। देश के पास टोटल लैंड एरिया है 77,240 स्क्वायर किलोमीटर। चेक रिपब्लिक में 75% से ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं, तो वहीं 25% के करीब लोग गाँव में। इस देश की कुल जनसंख्या की औसत उम्र है 43 साल। वेल दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि चेक रिपब्लिक देश को दुनिया के सबसे फिटेस्ट देशों में से एक माना जाता है। यहाँ पर आपको हर एक इंसान अपनी फिटनेस पे काम करता हुआ दिख जाएगा। यहाँ के लोगों की ये सोच सबसे पॉपुलर है कि अगर शरीर है तो आप पैसे भी कमा लोगे, और नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हर कोई सुबह या शाम आपको मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे जाता हुआ दिख जाता है। लड़के हो या लड़कियां, सब अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान लगाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया के किसी देश के मुकाबले चेक रिपब्लिक में आपको कहीं ज्यादा शीशे पे की गई डेकोरेशन मिलेगी। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों का ये पैशन है कि वो शीशे के ग्लासेस से डिजाइन करें। आप कहीं भी चले जाइए चेक रिपब्लिक में, आपको हर जगह शीशे पे एक से बढ़कर एक डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। चेक रिपब्लिक के लोगों के बीच में बियर पीने का बहुत शौक है। यहाँ पर कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो कि बियर ना पीता हो। क्या लड़के क्या लड़कियां, सबके हाथों में आपको बियर की बॉटलें ही नजर आएंगे। तभी तो कहा जाता है कि पर कैपिटा के हिसाब से चेक रिपब्लिक में बियर का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। यहाँ अगर छोटी सी भी पार्टी होती है तो समझिए कि बियर की नदियां बह जाती हैं। यहाँ पर एक इंसान कम से कम 2 से 3 लीटर बियर एक बार में घटक जाता है। क्या बात है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पपेट शो इस देश में बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर आपको हर मार्केट में कहीं ना कहीं पपेट शोज होते हुए दिखे जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोगों के बीच में पपेट शोज को लेकर बहुत क्रेज है, और लोग पपेट शोज देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। बाय द वे, आपको बता दूं कि यहाँ पर हर साल पपेट्री फेस्टिवल मनाया जाता है, जबकि कई सारी ऐसी भी जगहें हैं जहाँ सालों भर पपेट शो चलता ही रहता है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि चेक रिपब्लिक को दुनिया की सेफेस्ट कंट्रीज में से एक माना जाता है। यहाँ पर क्राइम रेट लगभग 0 के बराबर है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर न तो कोई आपको परेशान करता है और न ही कोई आपसे ज्यादा उम्मीद करता है। यहाँ की मेंटालिटी एक तरीके से देखी जाए तो बहुत सही है। लोगों को अपने काम से काम रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप चेक रिपब्लिक में चाहे किसी भी जगह क्यों ना चले जाओ, आप 100% सेफ फील करते हैं। आपको बता दूं, इस देश की कुल आबादी है 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा आज भी ऐसे बच्चे हैं जिनका जन्म चेक रिपब्लिक में नहीं हुआ है। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि इस देश में बाहरी देश के लोगों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन अब इन सभी लोगों को चेक रिपब्लिक की नागरिकता दे दी गई है। क्या आपको पता है कि वो कौन सा देश है यूरोप में जहाँ पर सबसे ज्यादा कैसल्स हैं? अगर आप ये सवाल किसी से भी पूछेंगे तो आधे से ज्यादा लोग आपको बताएंगे कि ये जर्मनी हो सकता है, लेकिन वो गलत जवाब है। दोस्तों, सही जवाब है चेक रिपब्लिक। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा कैसल्स मौजूद हैं। आज भी यहाँ के लोग और बाहर से आने वाले सैलानी इन कैसल्स को देखने जाते हैं। दोस्तों, सेंट्रल यूरोप की सबसे इम्पोर्टेंट नदी यानी कि एल्बे रिवर के बारे में आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत भी चेक रिपब्लिक देश से ही होती है। जी हाँ, इस नदी की इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये नदी 4 देशों से होकर बहती है। ये कंट्रीज हैं जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और पोलैंड। इन सभी देशों के डेवलपमेंट में इस नदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। क्रकोंजे माउंटेन से इस नदी की शुरुआत होती है। वेल दोस्तों, चेक रिपब्लिक के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। हर छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेते हैं यहाँ के लोग। माना जाता है कि कई बार तो ये मजाक को भी गंभीरता से ले लेते हैं।
यहाँ पर अगर आप किसी के साथ मजाक भी कर रहे हैं तो संभल के ही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को जोक समझने में बहुत देर लगती है और वो फटाफट रिएक्ट भी कर देते हैं। यहाँ के लोगों का मूड स्विंग भी बहुत ज्यादा होता है, अगर खुश हैं तो बहुत खुश हैं, नहीं तो दुखी हैं तो बहुत दुखी हैं। चेक रिपब्लिक देश की राजधानी का नाम है प्राग, लेकिन क्या आपको पता है इस सिटी का एक निकनेम भी है? सोचिए सोचिए क्या नाम हो सकता है। आपको बता दूं इस खूबसूरत शहर को द सिटी ऑफ 100 स्पायर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, तो दोस्तों जैसे आपने चर्चेस के ऊपर देखा होगा एक मीनार सा बना होता है, वैसे ही आपको यहाँ पर एक जमाने में 100 से ज्यादा मीनारे नजर आते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज वो 100 मीनारे बढ़कर 500 को पार कर गई हैं। आपको हर जगह बड़े बड़े मीनार शहर के हर कोने में नजर आएंगे। दोस्तों जब बात हो ही रही है प्राग की, तो आपको ये भी बता दें कि इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है कि अगर मॉडर्न यूरोप का कोई सबसे खूबसूरत शहर देखना हो तो आंख मूंद कर आप प्राग जा सकते हैं। यहाँ की हर चीज आपको अपना कायल बना लेती है। वैसे तो पूरे यूरोप में ही फुटबॉल खेल का क्रेज है, लेकिन चेक रिपब्लिक देश सबसे अलग है। जी हाँ, यहाँ के बच्चों के बीच में, यहाँ के बड़ों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है आइस हॉकी। ये गेम भी बहुत कमाल का स्पोर्ट है और लोग उसे यहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ आइस हॉकी के लिए लोगों के बीच में बहुत ज्यादा जुनून है। कोई भी मैच हो जाए आपको यहाँ हर एक स्टेडियम हाउसफुल मिलेगा। अगर कभी आप जाओ चेक रिपब्लिक, मौका मिले तो आइस हॉकी का लुत्फ जरूर उठाइएगा। ऐसे दोस्तों जब बात हो रही है खेल और खिलाड़ियों की, तो आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी यानी कि मार्टिना नवरातिलोवा भी इसी देश से आती हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो जरूर पढ़िएगा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं इस महान खिलाड़ी के हुनर के बारे में कि इन्होंने अपने करियर में कुल मिलाकर 18 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स, 31 मेजर विमेन्स डबल्स टाइटल्स और 10 मेजर मिक्स डबल्स टाइटल्स जीते। आपको ये भी बता दूं कि भारत के महान टेनिस खिलाड़ी लियांडर पेस के साथ ये कई सालों तक मिक्स डबल्स पार्टनर भी रहीं। दोनों ने मिलकर कई सारी ट्रॉफीज अपने नाम की। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि सेंट्रल यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी इसी देश में है, जो कि देश की राजधानी प्राग में 1348 में ही बना दी गई थी। क्या आप सोच भी सकते हैं कि 1348 में ही यहाँ पे पहला महाविश्वविद्यालय बना दिया गया। इस यूनिवर्सिटी का नाम है चार्ल्स यूनिवर्सिटी। वैसे आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि चेक रिपब्लिक में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग एजुकेशन को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर सबके मन में एक ही बात होती है कि कम से कम अच्छे लेवल तक एजुकेशन सबको हासिल कर ही लेनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक हैं। इस देश में 90% से ज्यादा एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन तो प्राप्त करते ही करते हैं। दोस्तों स्कोडा ऑटो के बारे में इंडिया में किसे पता नहीं होगा, लेकिन क्या आपको ये बात पता थी कि ये चेक रिपब्लिक देश की कंपनी है? जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी कि इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत इसी देश में हुई थी और वो भी 1895 में। आज भी इस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी का हेडक्वार्टर देश के शहर मालदा बोलेस्लाव में ही है। इस कंपनी ने पूरी दुनिया में चेक रिपब्लिक देश के नाम को आगे बढ़ाया है। बिल दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ये दुनिया के सबसे सुखी संपन्न देशों में से एक है, जहां पर बेरोजगारी नाम की सबसे गंदी बीमारी नहीं बसती। कुल मिलाकर यहां पर मात्र 2% ही लोग ऐसे हैं जो कि कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, बाकी 98% लोगों का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, चाहे वो कोई जॉब हो या खुद का धंधा। शायद यही वजह है कि यहाँ पर न तो क्राइम है और न ही कोई बुराई शिकायत करता है, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरा बंदा अपने काम में ही बिजी है। क्या आपको पता है कि आंखों में लगने वाले सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किस देश ने किया था? जी हाँ, ये है आपका चेक रिपब्लिक ही। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी दुनिया भर में बिकने वाले सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चेक रिपब्लिक देश से ही किया जाता है। ऑटो विचोल ने 1959 में सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज का आविष्कार किया था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के कुल आबादी में से 81% लोग ऐसे हैं जो कि आज के समय में ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। जी हाँ, उनकी नजर में कोई भी इस तरह की चीज नहीं होती जो कि दुनिया को कंट्रोल करते हैं। आज भी केवल 19% ही ऐसे लोग हैं इस कंट्री में जो कि मानते हैं कि ईश्वर का वास तो होता ही होता है। आप समझिए कि 81% लोग इस देश में नास्तिक हैं। यहाँ नास्तिक होना कोई गुनाह नहीं है और इसके लिए आपका सर कलम नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ के लोगों के बीच में मशरूम खाना सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ आपको लगभग हर घर के बाहर में मशरूम के बगीचे दिख जाएंगे। इतना ही नहीं, मशरूम के तरह तरह के पकवानों के साथ साथ यहाँ पर आपको इसकी हंटिंग के शौकीन लोग भी दिख जाते हैं। इस देश में मशरूम को द बेस्ट फूड माना जाता है, वैसे ये बहुत हेल्दी भी है। चेक रिपब्लिक में कुल मिलाकर 12 यूनेस्को मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस देश में टूरिज्म भी एक बड़ा बिजनेस है। वैसे भी चेक रिपब्लिक की कैपिटल सिटी प्राग को सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है।
कहते हैं कि यहाँ पर जो एक बार आता है वो इसे कभी भूल नहीं सकता। तभी तो बड़ी संख्या में सैलानी इस देश में घूमने के लिए आते हैं और मस्ती करते हैं। लेकिन अब ये एक बड़ा बिजनेस बन चुका है चेक रिपब्लिक देश के लिए, क्योंकि टूरिज्म की वजह से इस देश के कई लोगों को रोजगार मिलता है। दोस्तों, जैसे कि इस देश में पीने के लिए बियर बहुत पॉपुलर है, वैसे ही खाने में आपको यहाँ पे एक से बढ़कर एक ब्रेड मिल जाएंगे। कहा जाता है कि आपको ऐसे ऐसे ब्रेड खाने को मिलेंगे जिसे खाने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि वाह भाई वाह, इसमें कुछ अलग ही बात है। आपको बता दूं कि यहाँ पर पोक मीट के साथ ब्रेड को खाना लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। आप भी जाएं तो इसका स्वाद जरूर लें। तो दोस्तों, ये था चेक रिपब्लिक। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कभी इस देश की यात्रा की है, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।